नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। इस समय मुझे फिर एक मेरी एरिया के पास में कॉल आया है पिंपले घरों में, और हमारे जो एक मित्र है जिनकी एक प्लाईवुड की शॉप है विकास जी, उन्होंने मुझे फोन करके सूचना दी कि एक बड़े सांप को देखा है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि जैसे बरसातें शुरू होंगी सांपों का आने का जो भार है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो घरों के आसपास साफ सफाई रखो, क्योंकि जहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी रहेगी वहाँ पे सांप जो है गर्मी पाने के लिए जरूर बाहर आएगा, क्योंकि जब मौसम ठंडा हो जाता है बारिश में और उनके जो बिल जो उनके जो गड्ढे होते हैं वो जो है पानी से भर जाते हैं तो सांप बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए, आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे देखा है और कौन सा सांप है, ये तो पकड़ने के बाद आपको बताऊंगा। तो आपको एरिया बताता हूँ, ये देखिए इन्होंने बताया कि यहाँ पे देखा है इन्होंने, तो यहाँ पे एक ये जो पत्रा है पत्रे के नीचे उन्होंने बड़े सांप को देखा है। तो हम लोग देखते हैं पहले सांप कौन सा है और उसके बाद उसको सही सलामत पकड़ के इसके नेचर में छोड़ेंगे। क्या आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रैट स्नेक से हमारा जो सामना हुआ है, और सांप कोई भी हो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि काटता जरूर है, वो ध्यान में रखना आपने। काफी बड़ा साइज है इसका। आप कसला पण असला चावतो लय जोरात, हे लक्षात ठेवायचं। तो देखिए दोस्तों ये किस तरह अटॅक करना है काटने के लिए, अगर ग्लोव्स नहीं होते तो अभी तक काफी बार ये काट लेता था। ये देखिए इधर आके इधर से लिया। तो आप दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो सामना हुआ है ये रैट स्नेक, ये देखिए किस तरह काट रहा है, ये देखिए ये इसकी बाइट। तो सांप कोई भी हो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना, ये काम सर्प मित्र का है, क्योंकि आप जब इसको पकड़ेंगे तो आपको ये काट लेगा। आपको अगर कितना भी पता हो या अगर जहरीला नहीं है लेकिन आपका जो डर है, डर की वजह से आदमी की मौत हो जाती है, और ये काटने के बाद इसके मुंह में गंदगी और बैक्टीरिया होती है, तो हमको टीटी का इंजेक्शन और कुछ एंटीबायोटिक हमको लेने पड़ते हैं अगर इसने काट लिया तो। सिर्फ इतना कि इंसान की इससे मौत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर जहर नहीं होता। और इस वीडियो में मैंने काफी बार इस सांप के बारे में बताया, रैट स्नेक मतलब इसको हम लोग धामन के नाम से जानते हैं, और ये एकदम कॉमन सांप है, ये हमेशा इंसानों के घर के आसपास रहता है, चूहा मेंढक छिपकली खाने के लिए आ जाता है ये। और फिलहाल तो ये काफी गुस्से में है, काटने की पोजीशन पे आप देख सकते हो साइज भी काफी अच्छा है इसका। और इस सांप को लेकर थोड़ा सा एक जानकारी वापस से दे देता हूँ, काफी बार मैंने वीडियो में इसकी जानकारी दी है, इस सांप के पूछ में काटा है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन कोई भी सांप के पूछ में काटा नहीं होता, ध्यान में रखिए, इसके अंदर बिल्कुल जहर नहीं होता और ना ये दूध पीता है और ना ये किसी जानवर के पैर को लपेट कर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये गाय भैंस के पैर को लपेट कर इसका दूध पी जाता है, तो ये सब बकवासबाजी है, अंधविश्वास है। कोई भी सांप का दूध से कोई लेना देना नहीं होता, जब वो घबराता है तो घबराने के बाद अपनी पूंछ को फड़फड़ाता है, तो लोगों को लगता है ये पूंछ मार रहा है, ये पूंछ नहीं मारता, ये पूंछ को देखिए अभी इसने काटने की कोशिश की, काफी जोरदार और काफी खतरनाक बाइट है इसकी, ये भी आपको बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, रैट स्नेक धामन के नाम से इसको जानते हैं। आपको एक बार नजदीक से नीचे से दिखा देता हूँ, देखिए एक बार नीचे से ज़ूम करोगे भैया? हाँ, ये कॉमन सांप है, ये आपके घरों के आसपास दिखता है, अगर सर्प मित्र नहीं आता तो डंडे से इसको भगा देना है, क्योंकि अगर इसको नहीं भी पकड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंसान का नुकसान नहीं करता, ये सिर्फ चूहे छिपकली खाने के लिए घर के आसपास में आता है, और ये सबसे डरपोक प्राणी है धरती पे, कोई भी सांप जो है इंसान से डरता है, लेकिन उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना, एक काम जो सिर्फ सर्प मित्र का, ये ध्यान दीजिए, जिसने अभी अपनी गर्दन भुगा ली है, ये गर्दन भुगाने का मतलब काफी जोरदार तरीके से काटने वाला है। ये क्या धामिन है? धामिन नहीं होता, धामन होता, धामन सांप इसका नाम है, ये धामन। सिर्फ इतना है कि ये बिना मतलब के काटता नहीं, और जिसको काट भी ले तो आदमी मरता नहीं, बस इतना है इसका, जहर नहीं होता। ये जहरीला नहीं है ना? नहीं, इसके छोटे छोटे बच्चे भी है भैया हमारे पास, हो सकता है ना, होएंगे ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसके बहुत बच्चे हैं। ये सांप है ना पहचानने में बहुत आसान है, इसके चेहरे के नीचे देखो आप कभी भी आपको ऐसा ब्लैक कलर की लाइनिंग दिखेंगे टाइगर की तरह, देखो ये इसकी पहचान है। दूसरी इसकी पहचान है इसकी गर्दन पतली और पीछे से बॉडी मोटी हो जाती है। दूसरी बात इसकी जो पूंछ है ये जालीदार पूंछ रहती है, ऐसी जाली जाली, खाली यही सांप में ऐसी पूंछ रहती है। अगर आपने उसको पहचान लिया, सर्प मित्र नहीं भी आया ना, तो उसको डंडे से छेड़ दो ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं इसको आवाज नहीं आता तो भाग जाता है। हाँ। ये बहुत टाइम से हमारे पास, ये घबराता बहुत, एक साल हो गया इसको अभी। किधर आपने उधर भैया घर पे? अरे एक साल उसको क्या बोल रहे हैं? तो शुक्रिया करता हूँ मैं विकास जी का, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इसके ऊपर नजर बना के रखी है, मुझे कागो कागो हमारे कागो, और हम इसको नेचर में वापस से छोड़ देंगे ताकि जाके जिंदगी जी सके और खा पी सके। फिर मिलेंगे हम किसी जानकारी के साथ या फिर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ, तब तक के लिए ये देखिए किस तरह ये काट रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, लोग बोलते धामन काटता नहीं, ये देखिए इसका जीवन काटता है, उधर इसने खुद को काट लिया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, काटने से मतलब ये काफी खतरनाक तरीके से गहरा काटता है, काटने के बाद आपको टीटी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा।
जहर नहीं इसमें, एंटीबायोटिक को टीटी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, इसके मुंह में गंदगी रहती है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया मतलब मरेगा नहीं आदमी के लिए आया है ना भाई। ये देखो किस तरह ये काट रहा है, ये देखिए किस तरह ये काटने की कोशिश करता है, ये देखिए लगा हुआ। और कभी कभी क्या होता है कोई धामन पोस्ट, ये देखिए कर रहा भैया, ये देखो तुम आपको उदाहरण दिखा था, देखो देखा, अरे बाबा तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे किस तरह बाइट ली है, थोड़ी सी लापरवाही से ऐसी बाइट होती है। और ये जो आप निशान देख रहे हो, निशान देखते लोगों को लगता है शायद ये जहरीले सांप ने काटा, ये फैंग्स के निशान है और इससे इंसान की जो मौत हो जाती है घबरा के हार्ट अटैक से। तीन है सो तीन, इस तरह पकड़ने की कोशिश करना नहीं है कोई भी सांप को, क्योंकि ये घातक होता है, ये ध्यान में रखना है भैया। करोगे खोलोगे बाद में, मेरे को शरीर से दे दो पक्का भैया, आप भी ले जाओ। बहुत गुस्से वाला सांप है, दिख रहा है।